नीतीश सरकार बीते कुछ दिनों से बिहार में जो कारनामे हो रहे हैं उसको लेकर बैकफुट पर चल रही है। एक तरफ मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला, तो दूसरे तरफ दो दिन में हुई बारिश के बाद पटना भर में भारी जलजमाव। जी हां, अब यह बात लोकसभा तक पहुंच गई है और इस बात को लोकसभा में उठाने वाले सांसद हैं जयप्रकाश यादव। विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। आरजेडी के सांसद जयप्रकाश यादव को जब लोकसभा में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने पटना के एनएमसीएच में जिस तरह से जल जमाव हुआ और उसमें मछलियां तैरती हुई दिखी, इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया। साथ साथ मुजफ्फरपुर बालिका गृह के मामले को भी लोकसभा में उठाया गया। क्या कुछ बोला है जयप्रकाश यादव ने लोकसभा में, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की अनुमति दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सही लिख के दे दो। एकदम मुजफ्फरपुर बाल गृह में 39 निर्भया कांड हुआ दुष्कर्म की, जो राष्ट्रीय शर्म की बात है। वहीं दूसरी ओर एनएमसीएच में इंसान मरीज बेड पर ऊपर में मौत से जूझ रहा हो, ऑक्सीजन लगा हो, ब्लड चढ़ रहा हो, करा रहा हो और नीचे आईसीयू के नीचे आईसीयू में हो, अभी ना वर्षा के मछलियां नीचे तैर रही हो, ये बिहार के हॉस्पिटलों का हालत है। इंसान करा रहा है, मछलियां तैर रही है, यह कलंक है। झूठी सुशासन के सरकार में हत्या है, लूट है, बलात्कार है, मौत है। और अध्यक्ष महोदय, अस्पताल जैसे मछली मार्केट बन गया है, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या होगा कि पूरा का पूरा बिहार का हॉस्पिटल मछली मार्केट बन गया है। ये बहुत ही शर्म की बात। हालांकि एनएमसीएच के मामले में सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मरीजों को दूसरे जगह शिफ्ट किया और वहां से पानी निकाला गया। बहरहाल हो रही तमाम अन घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार लगातार जवाबदेह है। विपक्ष एक के बाद एक कई सवाल खड़े कर रहा है।